हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना। डायल पैड में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था थ्री बिंदी का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल स्टोरी सेटिंग हेल्प एंड फेसबुक कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेटिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कॉल आईडी स्पेस, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इन दोनों ऑप्शनों को आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको बे कर लेना। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था ब्लॉक्स नंबर, तो उस पर क्लिक करना होगा। अननोन नंबर को आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होता है जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं होते वो नंबर आपके ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है आपको, तो आपको ऐड ए नंबर पर क्लिक करना, उसका नंबर डालना, आप यहाँ से उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइस बे कर जाते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो हम उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था एडवांस सेटिंग, तो हम उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्लैश ऑन कॉल, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी जो कॉल है तो आपकी जो फ्लैश है वो जले, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। फिक्स डायलिंग नंबर कर सकते हैं यहाँ से। कॉल फॉरवर्डिंग, जैसे कि आप दूसरे नंबर की कॉल फॉरवर्ड अपने नंबर पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। कॉल बैरिंग और यहाँ पर एडमिन सेटिंग, तो उस पर क्लिक करना होगा। एडमिन सेटिंग क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल बैटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिला था। तो गाइस बे कर रहते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था कॉल रिकॉर्डिंग, तो हम उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट, तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। तो इस इन नंबर जो गाइस हमारे कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है उन नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। हमें अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको सिलेक्ट नंबर पर क्लिक करना, चूज ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना हो, यहाँ पर आपको जिस नंबर की अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है उसका नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर गाइस बे कर रहते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ओपनेशन, तो हम उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट वे पे क्लिक करना होगा सबसे पहले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट टाइम दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आपके जो कॉन्टैक्ट हैं आप वो चाहते हैं फर्स्ट नेम से शुरू हो या लास्ट टाइम से, तो यह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वे कर रहते हैं। वे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले वनेबरी प्लेस, तो हमें उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इन ऑप्शनों को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको बे करना। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है किक योर मोन्स, तो हम उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस क्या इससे क्या होता है, जैसे कि आपके पास किसी व्यक्ति की कॉलें आ रही हैं आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसी काम वगैरह में बिजी हैं आप, तो आपको जब टाइम मिले आप यहाँ से उसे लेटर या एसएमएस भेज सकते हैं। तो गाइस बे कर रहते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड ड्राइविशन, तो हमें उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपने मीडिया रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म जो भी अपनी रिंगटोन आनी है चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस बे कर जाते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नंबर पे क्लिक करना होगा। तो गाइस जिस नंबर पे आप अपनी वॉइस भेजना चाहते हैं उसका नंबर डाल देना है यहाँ पर जो भी आपको डालना है, और यहाँ से उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे ओके कर देना और यहाँ से आप अपनी वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो बे कर देते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो हमें उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जिस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं फ्लिप टू साइलेंट, तो उससे क्या होता है जैसे कि आपका फ़ोन टेबल पर रखा है आप चाहते हैं किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है तो आपकी जो रिंगटोन बजती है वो ऑफ हो जाए, तो आप अपना फ़ोन जब फ्लिप करेंगे यानी कि उल्टा कर देंगे तो आपकी जो फ़ोन की रिंगटोन है वो ऑफ हो जाएगी। तो गाइस इस ऑप्शन से आप अपने फ़ोन में अपने फ्लिप टू साइलेंट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।